प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कमिश्नरी सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुधांशु शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लखनऊ व NS रहमानी, उप निदेशक मत्स्य वाराणसी मंडल उपस्थित रहे। आज का ये कार्यक्रम जो वाराणसी जनपद में आयोजित किया जा रहा है, ये भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित किया गया है। इस वर्ष के लिए हम लोगों को पूरे मार्च 2021 तक 6 जनपद स्तरीय कार्यक्रम करने हैं और एक प्रदेश स्तरीय करना है। 6 जनपदीय स्तरीय कार्यक्रमों के अंतर्गत ये तीसरा कार्यक्रम है जो जनपद वाराणसी में किया जा रहा है। इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को, मत्स्य पालकों को प्रत्येक तरह की सुविधाएं मत्स्य पालन के संबंधित दी जाती हैं और इसमें 40% तक का अनुदान निहित है। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है जो अनुदान दिया जाता है, जब लोग बैठे क्या निकल के आ रहा है, क्या परेशानियां सबसे ज़्यादा लोगों परेशानी के लिए, इसके लिए जागरूकता की थोड़ी सी कमी है, जिसके लिए हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों को स्कीम पूरी तक नहीं पहुँच पा रही है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किसानों से सीधा जुड़ करके उनको स्कीम के बारे में बताएं और इसका लाभ वो उठा सकें। इसमें 40% का अनुदान, जैसे मैंने बताया, निहित किया गया है। ये सामान्य लाभार्थी के लिए है। यदि कोई लाभार्थी अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है या महिला लाभार्थी है, उसको 60% तक का अनुदान इसमें दिया गया है। शेष जो 40% जो बचता है, उसका 90% तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ऋण के रूप में 5 से 8 वर्षों के लिए उपलब्ध कराएगा और शेष 10% वो लाभार्थी को अपने पास से इसको लगाना पड़ेगा। अभी वार्ता करते समय इस जो कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मंडल आयुक्त वाराणसी द्वारा ये जिज्ञासा व्यक्त की गई कि क्लस्टर में लोगों को इकट्ठा करके, मत्स्य पालकों को इकट्ठा करके, उनका उनके प्रोड्यूस का, उनका जो उत्पाद है उसको मार्केट किया जा सके। क्योंकि अगर व्यक्तिगत रूप से जो उत्पाद पैदा कर रहे हैं उसको अगर हम लोग मार्केट करेंगे, विपणन करेंगे उसका, तो उसमें किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो उनका उद्देश्य, उनकी ये मनसा थी कि चूंकि मत्स्य के उत्पादन में डिमांड की कोई कमी नहीं है, तो इसको हम लोग क्लस्टर बना करके इसको करा जा सके। इस संबंध में एक स्कीम भारत सरकार की और है, जिसमें FFPO इसको बोलते हैं, ये मत्स्य पालक कृषक उत्पादन संगठन के नाम पे है, जिसमें 100 सदस्य एक साथ जुड़ करके इस काम को कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से यहाँ जानकारी दी गई है। किसान लाभान्वित हुए हैं। जो लोग आए हैं उनको जानकारी का थोड़ा अभाव था, अब वो पूरे उत्सुक है। और एक चीज़ मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि कृषक उत्पादन संगठन जो समूह बना के कार्य करने की परिकल्पना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी, तो उद्यान के क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम FPO पूरे देश का वाराणसी जनपद से ही स्थापित हुआ है। और मैं चाहूँगा कि फिशरी क्षेत्र में भी पहला FPO ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्य क्षेत्र से हो और प्रदेश का ये पहला FPO बन सके। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विकास के क्रम में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC जो है, अब मछुआरों के संगठन को एक तरीके से सामूहिक रूप से मत्स्य पालन के कार्य को बढ़ावा दिया जाए। इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को छोड़ करके एक समूह बने और जिस समूह की वजह से सारे लोगों को लाभ मिल सके, उनके सदस्यों को मिल सके, तो उनको जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये पहला कार्यक्रम है और उम्मीद है कि जो मत्स्य पालकों को बहुत सी योजनाओं की जानकारी नहीं थी, उनको इन योजनाओं की जानकारी मिली, भविष्य में उसका लाभ उनको मिले, उसके लिए विभाग के अधिकारियों को उनकी समस्याओं से भी अवगत कराया जा रहा है। सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सबको बीमा दुर्घटना योजना से इसके तहत लाभान्वित करने के लिए उनको उसका भी पंजीकरण हो रहा है, तो भविष्य में इसके लाभ मत्स्य पालकों को मिलेंगे और यहाँ का मत्स्य उत्पादन तो बढ़ेगा, निर्यात के क्षेत्र में भी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। पिछले दिनों इसके लिए नई दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक से अधिकारी आए थे, उनकी भी बैठक हुई, तो यहाँ की मछलियों का संरक्षीकरण करके और उसको निर्यात के लिए विदेश भेजने तक की उस पर कार्य चल रहा है।